जी नमस्कार। एलएसटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्या मिश्रा और आज मैं आपके सामने एक खास मेहमान को लेके आई हूँ, जो कि एक तरफ जहाँ बहुत ही जानी मानी शिक्षाविद हैं, उसी के साथ ही दूसरी तरफ वे एक बहुत जानी मानी पोइटिस हैं। बहुत सुंदर गजलें और नज्में लिखती हैं और कई मंचों से वो अपना प्रेजेंटेशन कर चुकी हैं गजलों और नज्मों का। इसके साथ ही बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिल चुके हैं और जानी मानी हस्ती हैं। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलएसटी में और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैं उनके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वे करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं और साथ ही साथ एक जानी मानी लेखिका हैं। उनके बहुत सारे लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छप चुके हैं। साथ ही साथ वो समाज सेवा के कार्यों से भी निरंतर जुड़ी रही हैं और कई अधिकारी पदों पे उन्होंने कार्य किया है समाज सेवा से जुड़कर। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी से बहुत सारी प्रेरणा लेने को मिलेगी। तो ये मौका हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में कुछ ऐसे मैसेज जा सके जिनका सभी को लाभ हो। जहां आरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ और मैं इस प्रोग्राम से सबसे पहले तो मैं दिव्या मिश्रा जी का आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका फराहम किया। और साथ ही साथ मैं अपने सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। जी जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपसे और मेरा परिचय हुआ अलका जी के माध्यम से। एक शो में हमारी मुलाकात हुई थी और वहीं पे जी मैंने जी आपके बारे में जाना कि आप कितना जी खूबसूरत और मीनिंगफुल लिखती हैं। तो जरूर हम आपकी गजलें और नज्मे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे भी कुछ कहें, लेकिन शुरुआत करेंगे आपकी प्रारंभिक आपकी पृष्ठभूमि से, आपकी शिक्षा दीक्षा से, कि दो नावों की सवारी आप एक साथ कर रही हैं। एक तरफ आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, नज्म और गजल एक शायराना अंदाज होता है, पूरा अलग ही एक दुनिया होती है, और दूसरी तरफ आप एक शिक्षाविद हैं। समाज में, सोसाइटी में, इंडिया में एजुकेशन के स्टेटस को लेके भी हम आपसे उस विषय पे भी हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से आप हैं और अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएं। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर को बिलोंग करती हूँ। दरअसल ये शहर, अगर मैं कहूँ कि जो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का रहा है और दूसरे जो माननीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मैं उन्हीं के शहर से वाबिस्ता हूँ, उन्हीं के शहर से मेरा ताल्लुक है। और मेरी पढ़ाई की शुरुआत जो है वो गोरखपुर में कार्मल इंटर कॉलेज है, वहीं से मेरी पढ़ाई जो है इंटरमीडिएट तक चली। और उसके बाद की जो मेरी शिक्षा दीक्षा रही है वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रही है। और इसमें ये भी मैं बताती चलूं कि मैं चूंकि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरे फादर और मेरे मदर इस कदर मॉडर्न ख्यालात के थे इस लड़कियों की तालीम के लिए कि उन्होंने, मेरे फादर का तो ये कहना था कि जब तुम कह दोगे कि अब हम नहीं पढ़ेंगे तब पढ़ाई रोकी जाएगी। मतलब आपकी पढ़ाई वाह, की कोई सीमा ही नहीं है कि आप जितना चाहे पढ़ सकती हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं पढ़ाई के लिए। तो वो इसलिए वो गोरखपुर के एक जाने माने जो है आम से मुनशा डीलर रहे हैं मोहम्मद रिजवान साहब, मेरे फादर, और उन्होंने ही ये उन्हीं की ये वो रही है। और चूंकि मैंने मेरी पीएचडी जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में रही, आज उसका भी जी मैं जिक्र करती चलूं कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और आज सब इसी वजह से मैं हम आप जुड़ भी पा रहे हैं और शायद हम लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म मिला
जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाए, कहाँ कहाँ से देश विदेश से हम जुड़ पाए, और वरना शायद इतना मुमकिन ना था हमारा जुड़ना सबसे। शायद हमारा परिचय आपसे ना होता या आपका मेरे से ना परिचय होता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही है जिसने हम सबको जो है बिना तार के जोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें जो कि मैंने कहा कि मेरी पीएचडी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रही, और शायद उस दौर में मैंने 94 में पीएचडी किया, उस दौर में शायद बहुत ही बहुत अनसुना सा ये सब्जेक्ट था जिसको लेके मैंने किया। और जो मेरे गाइड थे डॉक्टर आरडी सिंह, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इसके लिए प्रेरणा दी एक तरह से, और कहा कि नहीं, तुमको इसी सब्जेक्ट में इसी विषय पे करना है तुमको। तो मैंने भी उनकी बात को माना और किया, और आज उसका फल जो है, उसका रिजल्ट और परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिला कि ये सब्जेक्ट और ये विषय जो है आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और ये ना सिर्फ ये है कि सभी स्तर पर ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम है और इसके अब वो हो रहा है। और मेरी पीएचडी में भी ये बताती चलूँ कि मेरे फादर के साथ साथ मेरे ब्रदर और का भी बहुत बड़ा हाथ रहा इस पीएचडी में आगे जाने में। और उसके बाद से तो आप लिखने की बात कह रही थी, तो लिखना तो बहुत छोटी क्लास से शुरू कर दिया था मैंने, 6 7 क्लास से, क्योंकि मेरे घर पर ही वो शायरों की नशिश हुआ करती थी, उनका एक सम्मेलन हुआ करता था घर पे ही मेरे, क्योंकि मेरे फादर को बड़ा शौक था, तो गोरखपुर के जानी मानी हस्तियां और शायर वहां पर आया करते थे। मैं बहुत छोटी थी और मैं उल्टे सीधे लिखा करती थी और उन्हीं से इसला लिया करती थी। तो वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी और गोरखपुर रेडियो स्टेशन तक पहुंच गई, और फिर वहां पर मेरे प्रोग्राम आते रहते थे। लेकिन फिर बीच में जो है वो पढ़ाई की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गई जर्नी, इससे कि फिर पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती गई उसके साथ साथ। और चूंकि मेरा सफर, ये भी आपसे बताती चलूं कि मैं शायद मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन रास्ता कहीं से कहीं पहुंच गया, डॉक्टर तो बन गई, लेकिन जी मैं चाहती थी कि मैं खिदमत करूं सबकी, लेकिन एक तरह से खिदमत ही कर रही हूँ, सेवा ही कर रही हूँ, चाहे पढ़ाई के जरिए से करूँ या सबकी सेवा मैं मेडिकल लाइन से उससे करती एक डॉक्टर बन के। खैर, मेरी जो तमन्ना थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो मेरे माँ बाप ने जरूर पूरी कर दी और मैं यहाँ तक पहुंच सकी। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि हम जिंदगी में जो कुछ भी बनते हैं, परिवार और हमारे गुरुजन दोनों ही इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। हम उन्हीं की बदौलत जिंदगी में हम जो कुछ भी बनते हैं, जहां भी पहुंचते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये एक शायद इस टॉपिक से अलग है, बट आपने इस तरह से अपनी बात रखी कि मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अक्सर होता है कि कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चों से कुछ शिकायतें होती हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, फलाने का बच्चा ये कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों पे ब्लेम देने की बजाय वो एक बार खुद का अवलोकन भी जरूर करें कि वो उनके सामने क्या रख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो हम पीछे से ही लेके आगे बढ़ती है, जो हम देते हैं वही लेके आगे बढ़ती है। तो हमें खुद को भी हमेशा एक हमें खुद को भी एक बार परखना चाहिए जरूर कि कहीं वो जो कर रहा है बच्चा, जो जहाँ जा रहा है, जिस मंजिल की तरफ जा रहा है, उसमें हमारा कितना योगदान है और हम उसकी दिशा निर्देश किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक से अलग बात थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहां भी जिंदगी में पहुंचते हैं उसमें निश्चित रूप से हमारे माँ बाप और हमारे गुरुजनों का बहुत सहयोग होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत लंबा अनुभव रहा है, और अभी आप एज अ एचओडी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एक कॉलेज में। तो शिक्षा के विषय में, जैसे मैंने कहा कि आपसे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इस समय अगर प्रेजेंट की हम शिक्षा पद्धति के बारे में बात करें, तो इंडिया में अगर हम देखें, भारत में, तो अक्सर जो मेन एज होती है 20 22, आप रख लीजिए 22 साल की उम्र, तो हम एक सर्टिफिकेट वाली एजुकेशन में ही हम बच्चों की चली जाती है। तो आजकल ये भी बात बहुत हो रही है कि स्किल डेवलपमेंट वाली एजुकेशन भी बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि जो एक एज होती है वो एक सर्टिफिकेट लेने में, डिग्री अर्न करने में चली जाती है, लेकिन वास्तव में रियल लाइफ में उस डिग्री का कितना यूज कर पाते, हर कोई तो नहीं कर पाता। तो इस बात के, इस पे आपके क्या विचार हैं कि कितनी तरह के सुधार क्या वास्तव में
ऐसा जरूरत है अभी इस तरह की शिक्षा पद्धति के सुधार की? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये है कि शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको सिर्फ डिग्री ही बेस नहीं हो। हम डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन शायद वो जो एक ज्ञान है या जो एक नॉलेज है वो नहीं हासिल कर पाते हैं। तो शिक्षा के माने तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि हमारी नॉलेज क्या है, ये है। अब आज जो शिक्षा है वो सिर्फ हमको जीविकोपार्जन और अपने उसी तक सीमित होकर के रह गई है, लेकिन शिक्षा को नॉलेज तक भी आना चाहिए कि ज्ञान भी शिक्षा जो है हमको देती रहे। दूसरी चीज ये आती है कि आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है उसके अंदर इस बात को पूरा रखा गया है कि स्किल, कौशल जो है डेवलपमेंट, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि उसको एजुकेशन के साथ साथ जो है स्किल डेवलपमेंट भी, और चाहे स्किल कोई छोटी चीज का हो या कोई बड़ी चीज का हो, लेकिन आना सबको चाहिए ताकि वो शिक्षा लेने के बाद जो है बेरोजगार ना रह जाए वो, बल्कि शिक्षा जो है उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वो उसको सेल्फ डिपेंड बना सके। शिक्षा और शिक्षा सेल्फ डिपेंड तभी बना पाएगी जब स्किल डेवलपमेंट होगा, तभी जो है बच्चा जो है वो सेल्फ डिपेंड बन पाएगा। और जो कि वही चीज जो कि गांधी जी ने, जो गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी वो, उसमें भी गांधी जी ने जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था, बल दिया था कि स्किल डेवलपमेंट जो है होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने तो प्राइमरी लेवल से ही कहा था कि बहुत जरूरी है कि बच्चों को हुनर हुनर की जो है कि वही स्किल जो है सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो उसमें जो है वो महारत हासिल करें और आगे जो है वो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। तो इसी पर अगर आप इजाजत दें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक मेरी कविता नज्म है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ही है, मैंने लिखी है। चूंकि मैं एजुकेशन से संबंधित हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरी नज्म भी जो है उसी से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं सुना दूं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है मैम, स्वागत। किस्मत की हदें मिल जाएंगी बेआब सितारे टूटेंगे, किस्मत की हदें मिल जाएंगी बेआब सितारे टूटेंगे, अब इल्म व यकीन के सर चश्मे आगोश जमी से फूटेंगे, अब इल्म व यकीन के सर चश्मे आगोश जमी से फूटेंगे। देश ने करवट बदली है, तालीम ने जोश दिखाई है, देश ने करवट बदली है, तालीम ने जोश दिखाई है, आजादे रवि से सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, आजादे रवि से सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। अब तक महदूद मजमून में दुख दर्द झेले हमने, अब तक महदूद मजमून में दुख दर्द झेले हमने, अब स्कूलों में बहुविषयक मजमून पढ़ाए जाएंगे, अब स्कूलों में बहुविषयक मजमून पढ़ाए जाएंगे। यानी पहले ये है कि अलग अलग, जैसे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, तो सबके अलग अलग हमारे विषय होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। बीए के विषय बीएससी में नहीं होते, बीएससी के बीकॉम में नहीं होते, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अगर चाहे तो फिजिक्स के साथ जो है आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और कॉमर्स वाले जो हैं वो भी कोई भी लैंग्वेज या भाषा पढ़ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है कि आप महदूद रहेंगे, उसी को हमने कहा है ये कि अब स्कूलों में बहुविषयक मजमून पढ़ाए जाएंगे, किस्मत की हदें मिट जाएंगी बेआब सितारे टूटेंगे, अब इल्म यकीन के सर चश्मे आगोश जमी से फूटेंगे, बीए बीएससी बीकॉम में तफरीक मिट जाएगी, बीए बीएससी बीकॉम में तफरीक मिट जाएगी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स में तकसीम नहीं रह जाएगी, जो अभी हमने बताया आर्ट्स साइंस कॉमर्स में तकसीम नहीं रह जाएगी, ओकेशनल ट्रेनिंग अब रंग बदलने वाली है, वही जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, ओकेशनल ट्रेनिंग अब रंग बदलने वाली है, सब हुनर अपने पंजे में तस्वीर बदलने वाली है, सब हुनर अपने वाह पंजे में तस्वीर बदलने वाली है, किस्मत की हदें मिल जाएंगी बेआब सितारे टूटेंगे, अब इल्म यकीन के सर चश्मे आगोश जमी से फूटेंगे, मुद्दत से सोचा करते थे कब बाहर से यूनिवर्सिटी आएगी,
से सोचा करते थे कब बाहर से इन्वेस्टी आएगी, अब मुश्किल आसा होगी हर चीज सभी को मिल जाएगी। अब मुश्किल आसा होगी हर चीज सभी को मिल जाएगी। नैतिक मूल किया लाजमी, ये वक्त नहीं है दूरी का। अब जो है मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। नैतिक मूल किया लाजमी, ये वक्त नहीं है दूरी का। इंसानियत का सबक पढ़ो, लम्हा है ये मंजूरी का। इंसानियत का सबक पढ़ो, लम्हा है ये मंजूरी का। किस्मत की हदें मिट जाएंगी, बेआब सितारे टूटेंगे। अब इल्म यकीन के सर चश्मे आगोश जमी से फूटेंगे। मायूस शागिर्दों के चेहरे शादाब अब हो जाएंगे। मायूस शागिर्दों के चेहरे अब शादाब अब हो जाएंगे। राहत की फिजा में सब रोजगार से लग जाएंगे। राहत की फिजा में सब रोजगार से लग जाएंगे। मंजिल करीब आ पहुंची, बढ़ते ही रहो बढ़ते ही रहो। मंजिल करीब आ पहुंची, बढ़ते ही रहो बढ़ते ही रहो। हर कोहे दमन के सीने पर दरिया की तरह चढ़ते ही रहो चढ़ते ही रहो। हर कोहे दमन के सीने पर दरिया की तरह चढ़ते ही रहो चढ़ते ही रहो। किस्मत की हदें मिट जाएंगी, बेआब सितारे टूटेंगे। अब इल्म यकीन के सर चश्मे आगोश जमी से फूटेंगे। ये वाह मेरी वाह वाह, नज्म थी जो आमीन, अभी आप बहुत खूब जी बहुत अभी आप खूब जी। यकीनन बहुत खूबसूरत रचना, और जिस तरह से आपने बोला है कि इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में, तो उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य अच्छा ही होगा। जैसे आपने बोला कि जो विषयों का जो चयन का जो है उसकी अब लिमिट नहीं रहेगी, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे बता सकती हूँ कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस था एक समय तक कि मैं इसके साथ में संगीत का एक विषय साथ में लेके नहीं चल पाई। वो जी मुझे छोड़ना जी पड़ा जस्ट बिकॉज मुझे साइंस चूज करनी थी, वो प्राथमिकता थी। तो ये अगर है तो ये बहुत जरूरी है, और स्किल नहीं डेवलपमेंट ये की बहुत ये है जी बहुत जरूरी है। बहुत आई होप कि कुछ अच्छे रिजल्ट इन फ्यूचर आएंगे, क्योंकि अभी तो सच में बहुत ज्यादा ये है कि एक खास उम्र जो बहुत ऊर्जा वाली एक उम्र होती है, वो बस ऐसे ही गुजरती चली जाती है सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में, और बाद में फिर सोचने बैठते हैं बच्चे 22 25 23 साल में कि अब आगे क्या करें। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जी आपके लेख बहुत सारी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी छप चुके हैं, लेख भी आप लिखती हैं बखूब। तो जानना चाहेंगे कि किन विषयों पे आप लिखना पसंद करती हैं, और किन किन विषयों पे आप लिखती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मेरा स्पेशल इसमें रहा है और उस पे मेरी रिसर्च भी रही है, तो मैं ये ज्यादातर मोस्टली जो है, जो कि हम लोग रिसर्च पेपर हमारे होते हैं तो उसी पर जी, ज्यादातर मेरा जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे फोकस रहा है, और या साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स रहे हैं जिसमें कि बच्चों से लर्निंग है हमारी और डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है बहुत सारी लेख हमारे रहे हैं उनके ऊपर। और एजुकेशनल फिलॉसफी हमारी रही है दर्शन, कि दर्शन जो है वो कहाँ तक जो है वो हमारे एम्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव को कहाँ तक प्रभावित करता है दर्शन। जितने भी दर्शन रहे हैं वो सारे के सारे एम्स को जो है एजुकेशन के और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो प्रभावित करते रहे हैं, तो वो उनसे रिलेटेड हमारे सारे वो रहे हैं। जी, बहुत खूब। और हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हैं जो मुझसे कुछ कह रहे हैं, दिव्या जी ऐसे कार्यक्रम कभी बंद मत कीजिएगा, सभी प्रेरित होते हैं बिल्कुल। और मैं इस बात को यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगी कि LSD शो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने ये शुरू किया, और अभी फिर लॉकडाउन ओपन हो गया है तो और भी कुछ काम शुरू हो गए हैं, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं। अब जैसे मैम ने आज बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया, और ये कह के दिया कि भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अब दोबारा से शुरू हुई है एक तरह से कह सकते हैं, तो बहुत सारे पेंडिंग काम है जो सबको पूरे करने हैं। तो मैं अपनी तरफ से जरूर मैं ये कोशिश करूंगी कि ये शो हमेशा ऐसे ही चलता रहे,
और हो सकता है बीच में, अभी थोड़ी दिन बीच में गैप हुआ था, 1-2 वीक मैं नहीं ला पाई थी, तो कई बार कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ और प्रोफेशनल कमिटमेंट होते हैं कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए खुद बहुत एक वरदान की तरह साबित हुआ है, वरना शायद मैं जहां आरा जैसी शख्सियत से जिंदगी में कभी नहीं मिल पाती, या जो भी एलएसडी में मेरे खास मेहमान बन के जो आज एलएसडी का हिस्सा बन चुके हैं, उन सबसे शायद ही मैं पर्सनली कभी मिल पाती। बट लॉकडाउन के समय में इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम आप सबसे जुड़ पाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरे सारे व्यूवर्स जो मुझ पे और एलएसटी शो पे इतना यकीन रखते हैं, इतना हमें प्रोत्साहित करते हैं, आप सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। वंदना घोष जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रहती हैं, और बहुत अच्छी पोइटेस हैं, लिरिक्स राइटर हैं, इनका अभी बहुत खूबसूरत भजन भी रिलीज हुआ है, रामचरण मन भायो, तो जिन्होंने नहीं सुना है वो जरूर सुने एक बार, जियो सावन पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। तो जहां राजी आपसे बात करना चाहेंगे आप सोशल वर्क के बारे में, आप सामाजिक कार्यों और सामाजिक सेवा में भी काफी संलग्न रही हैं, और बहुत सारे अधिकारी पदों पे भी आपने इसमें जुड़ के काम किया है, तो समाज का एज एक लेखिका की तरह भी मैं पूछना चाहूंगी कि समाज का कोई एक ऐसा विषय या कोई एक ऐसा इशू जो आपको अक्सर बेचैन कर देता हो इस पे लिखने के लिए, क्या ऐसा कोई बदलाव लाने के लिए कि ये चीज गलत हो रही है, ये सही होनी चाहिए। वैसे तो मैं, आपने जैसा कहा कि मैं कई जैसे एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर और वर्स और रेंजर्स और एनएसएस से जुड़ी रही मैं, और जब मैं इन सारे फील्ड में जब आई, फील्ड में जब इंसान वर्क करता है आता है तो उसको बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और फिर वो बहुत सारे चीजों के ऊपर सोचता भी है गहराई से। तो मैं जब इसके ऊपर आई तो मुझे सबसे ज्यादा जो कि आज हर स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और इसकी स्कीम को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे नारी सशक्तिकरण, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस दौरान में मैं जुड़ी प्रोग्राम ऑफिसर से, 2016 की बात है ये, जब मैं जो है वो इससे जुड़ी हूँ, तो मैंने उसके लिए, इसीलिए इतना ज्यादा मैं लड़कियों की, जब मैं जाती थी उसमें बस्तियों में जहाँ पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए, जहाँ पर अवेयर करने के लिए लोग बहुत ज्यादा जानकार नहीं थे बीमारियों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तो वो सारी की सारी हमारी बच्चियां भी साथ होती थी जहाँ हम साथ साथ जाते थे और वहां काम करते थे। तो मेरी, मुझे ये तकलीफ बहुत इस बात की रही कि जो मैं तो खुद एक औरत हूं, तो जाहिर सी बात है कि औरत की तकलीफ को आदमी महसूस कर सकता है कि हर जगह जो है, मैं ये बिल्कुल देखती थी कि औरत सताई ना जाए, औरत परेशान ना हो, लेकिन शायद समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं कि समाज जो है अच्छे लोगों से खाली है, अगर ऐसा होता तो ये दुनिया ही नहीं चलती, अगर अच्छे लोगों से खाली ही होता ये समाज तो। लेकिन बहरहाल समाज में लोग हैं ऐसे जो कि इस तरह की बातें जो हैं वो होती रहती हैं, और आप सभी देखते होंगे कि इतने सारे कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद और इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी, और जब हम अखबार उठाते हैं सुबह और सुर्खियां जब उसकी देखते हैं, हेडलाइंस, तो बड़ी तकलीफ होती है, दिली तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है, समाज के लोग किधर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मतलब सभी के पास ऐसा तो नहीं है कि जो है वो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, औरत हर जगह है, सबके घर में है, तो फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ये समझ में नहीं आता हमको। तो यही चीजें हमको बहुत ज्यादा अंदर तक, आज भी ये सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है कि काश वो कौन सा वक्त आएगा। वक्त तो आ चुका है, लेकिन क्या ये सारी बुराइयां समाज से दूर हो जाएंगी? लेकिन ऐसा अभी बहुत कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक कोशिश है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि औरत को इसके लिए खुद आगे बढ़ना, कोई दूसरा नहीं, कोई भी मुश्किल जो आती है किसी की, वो दूसरा सॉल्व नहीं करता, जिसकी मुश्किल है उसी को सॉल्व करनी पड़ती, उसी को वो आसान बना सकता है। तो औरत अगर खुद में ये आज़म
ये पुख्ता यकीन, ये शक्ति, ये चीज, ये ताकत खुद में लाए कि हम हर चीज कर सकते हैं और हर मुश्किल को हम सर कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम ना कर सकें। अगर ये चीज हर लड़की जो है अपने दिल में ठान ले बिल्कुल कि हमको जो है वो समाज में सचमुच अपना मकाम हासिल करना है हर कीमत पे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, तो हम करेंगे। और एक जज्बा ये भी होना चाहिए कि हम ये नहीं कि सिर्फ हम खुद जो है सुधर जाएं, खुद आगे बढ़ जाएं, बल्कि लोगों को भी के अंदर भी ये जज्बा जगाना चाहिए कि वो भी जो है इस तरफ कदम बढ़ाएं, इस काम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। कि कोई भी है तो ऐसा ना हो कि हम उसके लिए, जैसे कि हमारी तो ये हमेशा कोशिश रहती है कि कोई अगर है ऐसी कोई बच्ची है वो पढ़ना चाहती है, उसके पास नहीं है, कोई ऐसे लोग हैं जो किसी परेशानी में है, तो हम उसकी जरूर सहायता करें। तो हम अगर हम सब मिलके, एक एक मिल करके ही तो बूंद बूंद मिल करके सागर बनता है, तो अगर सारे लोग मिल जाएं और सब ये कोशिश करें कि हम जो है इसको सुधार के रहेंगे, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि 100% सुधार हो जाएगा, लेकिन यकीनन 90% तो हो जाए, ये तो मैं मान के चलती हूँ, अगर हर कोई इस जज्बे को लेके चले। बिल्कुल 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 100% रिजल्ट तो आज तक शायद किसी भी काम के नहीं आए हैं, हाँ लेकिन हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जरूर सब लोग अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सुधार संभव है। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़नी चाहिए, यही एक तरीका है, उसके लिए महिलाओं को खुद आगे आना पड़ेगा। और दूसरा तरीका कि अगर महिलाएं सामाजिक स्तर पे ज्यादा से ज्यादा आगे आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक स्तर पे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूर है कि परिवार के जो पुरुष हैं उन्हें भागीदारी जरूर करनी पड़ेगी पारिवारिक स्तर पे ज्यादा से ज्यादा। तो ये तभी एक जो इक्वल एक बैलेंस होता है सोसाइटी में जो चाहिए वो बन पाएगा। और आपने बोला कि महिलाओं के विषय में आपने बात की है, और एज अ वुमेन, एज अ पोएटेस भी, मुझे पक्का यकीन है कि आपने जरूर महिलाओं के लिए भी कुछ कभी ना कभी कोई रचना जरूर लिखी होगी, तो जी हम चाहेंगे कि जी आप हमें सुनाएं। जरूर सुनाऊंगी मैं। एक मेरी नज्म है औरत की ताकत उनवान से, शीर्षक से, वो आपके सबके पेशे खिदमत है। आगे जी कदम स्वागत। बढ़ाया मैंने, आगे कदम बढ़ाया मैंने, वो बरसते हुए शोले वो गरजते बादल, वो बरसते हुए शोले वो गरजते बादल, बन के तुम उठो दुनिया के लिए पैगामे अजल, बन के तुम उठो दुनिया के लिए पैगामे अजल, दिल में शोलों को सदा तुमने दबाए रखा, दिल में शोलों को तुमने सदा दबाए रखा, फिर भी होठों पे तबस्सुम को जगाए रखा, फिर भी होठों पे तबस्सुम को जगाए रखा, आगे कदम बढ़ाया मैंने, आगे कदम बढ़ाया मैंने, तेज तूफान में औरत है बेड़े की तरह, तेज तूफान में औरत है बेड़े की तरह, मन सूरज की रोशनी सा हो जाता है, मन सूरज की रोशनी सा हो जाता है, दर्द की चीख कहीं रोने का शोर, दर्द की चीख कहीं रोने का शोर, इस अमन भी है इसी समाज में कहा जाता है, अमन भी है इसी समाज में कहा जाता है, आगे कदम बढ़ाया मैंने, आगे कदम बढ़ाया मैंने, मेरी हिम्मत की कदम हर पल बढ़ाती हूँ गुल, मेरी हिम्मत की हर पल कदम बढ़ाती हूँ गुल, समाज ने पाला है बेइंसाफी से लड़ने के लिए, समाज ने पाला है बेइंसाफी से लड़ने के लिए, हर मुश्किल के लिए खुद में रखूं ताकत, हर मुश्किल के लिए खुद में रखूं ताकत, औरत ही है औरत से झगड़ने के लिए, औरत ही है औरत से झगड़ने के लिए, कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, इसलिए औरत ही है औरत से झगड़ने के लिए, आगे कदम बढ़ाया मैंने, आगे कदम बढ़ाया मैंने, और फिर पांव बढ़ाती हूँ चलने के लिए, और फिर पांव बढ़ाती हूँ चलने के लिए, वीरा बन जाते हैं गुलजार गुलशन की तरह,
वीरा बन जाते हैं गुलजार गुलशन की तरह, वादियां महक उठती हैं जानिबे मंजिल के लिए, वादियां महक उठती हैं जानिबे मंजिल के लिए, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं मरियम और दुर्गा की तरह, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं मरियम और दुर्गा की तरह, आगे कदम बढ़ाया मैंने, आगे कदम बढ़ाया मैंने। ये मेरी एक नज्म वाह, थी औरत की ताकत के लिए, उन्मान से जो आपके उस पे मैंने पेश की है अपने सभी सुनने वाले और देखने वालों के लिए। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना। और एज अ रीडर मैं जानना चाहूंगी कि आप लिखती तो बहुत खूबसूरत हैं, एज अ राइटर पढ़ना आपको सबसे ज्यादा किसको पसंद है? पढ़ना, चूंकि मैं पहले, अगर बहुत पहले कदीमी शायरों की तरफ जाऊं, तो मैं मीर और गालिब और सौदा और जोश, उन लोगों से बहुत ज्यादा मरूब रही। लेकिन जो जो आज के जो शायर हैं, उन शायदों में जब हम बात करते हैं, जदीद शायरों की जब बात करते हैं, तो उसमें हमको बशीर बदर बहुत ज्यादा पसंद है, जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर रही। फिराक गोरखपुरी, चूंकि मैं गोरखपुर से मेरा ताल्लुक रहा है, और परवीन शाकिर और राहत इंदौरी साहब, जिनकी अभी इधर डेथ हुई है कुछ दिन पहले, राहत इंदौरी साहब। और हिंदी में मैं जो हूँ, वो जाहिर सी बात है, महादेवी वर्मा से बहुत ज्यादा मैं वो मुतासिर रही, और अमृता प्रीतम से बहुत ज्यादा मेरा, मैंने पढ़ा उनको और वो किया। और जी मोहिंदर सिंह बेदी साहब, मोहिंदर सिंह बेदी साहब से भी मैं वो रही उनसे, और कैफी आजमी साहब से भी, जिनकी मैं जो है गजलें पढ़ती रही और उनकी सारी नज़में, और उनसे बहुत ज्यादा सीखने को मिला पढ़ करके हमको। उन लोगों से बहुत ज्यादा मैंने सीखा है पढ़ करके। जी जी और बहुत खूब। मैं वैसे उनकी बशीर बदर साहब का उनका एक शेर पढ़ना चाहूंगी, चूंकि बिल्कुल उनका बहुत ही ज्यादा मशहूर वो रहा है। एक जो उन्होंने लिखा, सात संदूकों में बिल्कुल भर कर दफन कर दो नफरतें, सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत वाह, की जरूरत है बहुत। ये बशीर बदर साहब का ये रहा है शेर, जो मुझे मतलब इस मौजूदा वक्त की नजाकत, उसकी वजह से मैंने उनका ये शेर पढ़ा। और मैं साथ ही, चूंकि फिराक गोरखपुरी साहब की बात हो रही थी, तो उनका भी जी, बिल्कुल एक शेर मैं पढ़ती ही चलूं साथ में। बहुत पहले से उन कदमों स्वामी की आहट जान लेते हैं, बहुत मशहूर शेर रहा है फिराक जी, गोरखपुरी साहब का, और शायद सभी की जुबान पर ये बहुत आम रहा है मेरे ख्याल से। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ये फराह गोरखपुरी साहब का शेर रहा है, जो बहुत ही मशहूर भी रहा बहुत है मशहूर उनका ये शेर। हाँ जी, जी, तो बहुत मैंने आपने कहा तो मैंने बताया कि मैं इन सभी से लिखने का, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत जरूर बनता है हर इंसान के लिए। तो वो वहां से मैं मेरा वो सफर शुरू हुआ, और इनसे भी मैं पढ़ती रही, चूंकि मैं रही तो जरूर, लेकिन लिटरेचर की मैं ना होते हुए भी लिटरेचर का बड़ा शौक रहा, तो किताबों से बहुत लगाव रहा, जी मैं पढ़ती रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और बहुत सारे सम्मान भी आपको मिले हैं, अगर जिनमें से मैं कुछ गिनाऊं तो दिव्य देवी सम्मान, अहल्याबाई होलकर सम्मान, साहित्य सुधा सम्मान, माँ दुर्गा एवं सत्यम साहित्य संस्थान के द्वारा बंसा श्री सम्मान, काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह के द्वारा भी बहुत सारे सम्मान, अमन सम्मान, काव्य संगम सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। तो कोई एक ऐसा अनुभव जो आपके लिए यादगार रह गया हो, जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा अनुभव? ये मैं तो ये एक चीज ये भी बताती चलूं कि शायद ये जो अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, शायद हम लोग जो हैं अगर ऐसे ना जुड़ते एक दूसरे से, तो शायद हम यहाँ दूर तक, इतनी दूर तक मेरी आवाज ना पहुंच पाती। मेरी आवाज जी बिल्कुल शायद
तब तक मैं पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकती थी, और सब में मेरी पहचान भी नहीं बन सकती थी। इसलिए कि जी आपको पता ही है कि चूंकि साहित्य के साथ साथ मेरा जो है अपना एक अलग जो है प्रोफेशन वाला जो एरिया जो है जो क्षेत्र है मेरा शिक्षा शास्त्र का या एजुकेशन का, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो शायद मैं इसको जी अपनी इस जो मेरी जो ख्वाहिश थी और जो जिसको जो मैंने एक जिसको कह सकते हैं एक अमली हकीकत जो है, मैंने एक अमली जामा पहनाया मैंने अपनी नज्मों को और गजलों को, उसका रास्ता जो है जी वो ऑनलाइन से ही होकर गुजरता है और आप तक अरे जो वाह, पहुंचता है। तो इसमें सबसे मैं एक सम्मान की सबसे पहले जो अभी मुझे एक साहित्य और दुर्गा माँ सत्यम सम्मान जो मनसा श्री सम्मान से जो हमको सम्मानित किया गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो शायद मुझे ये सम्मान देने जा रहे हैं, तो उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि मैम कल, उन्होंने बताया ही नहीं है और उन्होंने सिर्फ इन्विटेशन मुझे भेज दिया कि आपको यहाँ आना है, वो यहाँ पर लखनऊ में जो है मोती महल लॉन्स है, तो वहां पर जो है वो हाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, तो उसका इनविटेशन उन्होंने हमको भेज दिया। लेकिन फिर हमने कहा कि शायद मैं उस दिन मेरी क्लासेस भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पता नहीं उस टाइम में 11 बजे पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मैंने उनको फोन किया जो इस संस्था के जो संस्थापक हैं, तो उनसे मैंने कहा कि मैं आ नहीं पाऊंगी, मैं माजरत चाहती हूँ, प्लीज मैं आ जाऊंगी, मैं और आपके प्रोग्राम की पूरी रिकॉर्डिंग मैं सुन लूंगी और मैं शायद मैं थोड़ी देर से आ जाऊं, या आप अगर कहें तो जी 2 बजे के बाद आ जाऊं मैं। तो कहने लगे कि नहीं मैम, आप ही के लिए तो ये कार्यक्रम रखा गया। मैंने, मेरे लिए कार्यक्रम रखा गया? ओह तो आपने तो कहने लगे अरे आपको सम्मानित किया जाएगा, उसमें जो और भी जैसे जो टीवी से जुड़े हुए लोग थे और न्यूज़पेपर से जुड़े हुए सभी को किया है उन्होंने, पत्रकार को उसमें, और लेकिन साहित्य के क्षेत्र में मुझे किया, ये मेरा सौभाग्य रहा उन्होंने। तो हमने कहा कि तब तो आपने तो बहुत ही ऐसी चीज मुझे सुना दी जो मुझे आश्चर्यचकित कर गई कि मैं तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी इस प्रोग्राम में जाने के लिए, कि मुझे तो एक दिन छुट्टी लेनी होगी कॉलेज से अपनी और जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो मुझे आना पड़ेगा और मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। मैं तो बहुत खुश हो गई, लीजिए जी आपके जो है आप हमको ये सम्मान से नवाज रहे हैं। तो ये मुझे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात रही वो पल, तो मैं तो जा ही नहीं रही थी कहाँ मैं चली गई, इसलिए कि मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे ही मिलने वाला है सम्मान। जी जी बिल्कुल, ऐसे अनुभव तो हमेशा के लिए यादगार हो जाते हैं। और मैम, अब समय भी हो रहा है और जैसे आपने कहा था कि आपके पास समय की थोड़ी कमी है, तो मेरे शो के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके बेस पे ये प्रोग्राम शुरू किया था मैंने और आज इतना लोकप्रिय हो चुका है, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है और कहीं ना कहीं समाज में कुछ पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा एक छोटा सा प्रयास से मैं आप जैसे लोगों को समाज से के उस हिस्से तक शायद पहुंचा पा रही हूँ जहां शायद आप पर्सनली नहीं पहुंच सकती, तो मेरी कोशिश है कि उन तक वो मैसेज आपके जरूर पहुंचे। जिंदगी और सफलता, ये दो प्रश्न थे जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो जिंदगी को आप किस तरह से देखती हैं, जिंदगी के मायने आपके लिए क्या है, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि सफलता के पैरामीटर्स आप क्या समझती हैं कि किसी इंसान को सफल कब माना जाना चाहिए? ये सफलता तो सफलता के लिए मैं यही कहूंगी कि सफलता तो अभी जैसी मैं ज्ञान या नॉलेज की बात कर रही थी कि नॉलेज है और स्किल की बात कर रही थी, स्किल है और एक्शन, तीन चीजें जो हैं वो सफलता की आप कीज कह सकती हैं या कुंजी कह सकती हैं, जिससे हम सफलता नॉलेज से, स्किल से और एक्शन, यानी बिना काम किए तो सफलता नहीं मिल सकती, बिना कुछ किए तो हम सफलता हासिल बिल्कुल नहीं कर सकते जिंदगी में। कुछ सफल बनने के लिए, कुछ करने के लिए एक अज्म, एक इरादे की जरूरत है। बिना अज्म, बिना इरादे के हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज सफलता के पीछे जो होता है वो, अभी जैसी मैं बात बता रही थी कि हमारे पेरेंट्स होते हैं,
सफलता के पीछे ये भी एक तो कि मैंने आपको बता दी कि नॉलेज, स्किल और एक्शन जो हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड में है, आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि जो फिल्म बनती है और उसमें हीरो हीरोइन सारे पर्दे के सामने होते हैं, लेकिन जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो पर्दे के पीछे होता है, तो उसकी जो सारी जो मेहनत है वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो जो फिल्म बन के तैयार होती है, जो रूप आता है उसका, उसमें जरूर झलकती है उसकी। तो उसी तरीके से जो भी हम सफलता हासिल करते हैं, उसमें जो वो जो तस्वीर है, उसमें उभर के उसके पीछे हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे। जैसे अब मेरी जो लाइफ है, जाहिर सा है, मैरिड लाइफ है, तो मेरे हस्बैंड है इसके पीछे, मेरे सफलता के पीछे हमारे, और हमारा बच्चा है, तो हम वो उसके पीछे होते हैं। तो हम सामने तो हमारी कोशिश होती है, लेकिन पीछे जो होती है वो हमारे पेरेंट्स और हमारे जो भी हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त के रूप में हो, हमारे हस्बैंड के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पेरेंट्स के रूप में, सभी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं और उसके हकदार सभी होते हैं, और उसमें सभी का साथ होता है, उस सफलता में सभी का हाथ होता है एक तरह से। और दूसरा सवाल जो आपने जिंदगी के ये कहा है कि जिंदगी को हम किस उसमें देखते हैं, तो एक शेर है जैसे कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जो अगर आप जिंदा दिल हैं, तभी आप उसके लिए भी यही है कि तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना अगर आप हार जाएंगे हर बाजी, अगर जिंदा दिल नहीं होंगे, जिंदगी को इस रूप में नहीं लेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमको आगे बढ़ने के जी लिए तो जरूरी है कि खुद को जो है हमको इतना जिंदा दिल बनना चाहिए। मैं चाहे अब अपनी एक अपनी एक तो मैं चाहूंगी कि आपकी नजर कर दूं एक शेर अपना जो है, मैं बड़ी देर से सोच रही थी ओ कि दिव्या जी को हाँ ये एक शेर शुक्रिया, मैं पढ़ ही दूं, तो बिल्कुल आपके बिल्कुल लिए स्वागत है। एक आपके पेशे खिदमत है। तौफीक खुदा देता है कुछ खास लोगों को, तौफीक खुदा देता है कुछ खास लोगों को, इतनी खूबियां एक इंसान में नहीं होती, इतनी खूबियां एक इंसान में नहीं होती। आपके लिए है दिव्या जी ये शेर मेरा, ओ थैंक यू, और एक जो है ये जिंदगी के लिए है कि कामयाब है वही शख्स जिसकी मंजिल पर नजर है, कामयाब है वही शख्स जिसकी मंजिल पर नजर है, और जिंदगी जो है यही गुल की आरजू ऐ दोस्त, है यही गुल की आरजू ऐ दोस्त, गमों के साए जिंदगी से दूर दूर रहें, गमों के साए जिंदगी से दूर दूर रहें, यही मेरी जी वो है इसे। जी बहुत खूब। और मेरे लिए जो आपने शेर पढ़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, इतनी खूबियां मेरे में नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों की नहीं संगत है से जरूर बहुत कुछ रही हूँ बहुत कुछ सीखा है, और जो भी यकीनन बहुत लर्निंग हुई है जब से मैंने LST शुरू किया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मेहमान आए हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो ये एक ऊपर वाले का, शायद ऊपर वाला जो कराना चाहता है उस हिसाब से वो हमें सोच देता है, समझ देता है किसी कार्य को शुरू करने की। तो ऊपर वाले का ही शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने मुझे इतनी समझ दी कि मैंने इस कार्य में अपना हाथ डाला और आज इतने सारे लोगों का इतना बड़ा परिवार मेरा बन के तैयार हो गया है। तो ये सब ऊपर वाले की अल्लाह मेहरबानी है, आपको ईश्वर का दिया शुक्रिया जी अदा और करूंगी। कामयाब करे जी। जी आप कामयाबी के जो है इस रास्ते पे चलती रहें, यही मेरी भी जो है कामना है, यही प्रार्थना है आपके थैंक यू मैम, प्रोग्राम के लिए। और आपने थैंक यू मैम, हमको जो थैंक है, फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो लोग, जो लिसनर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यू। बेशक, और चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए और समाज के लिए, जो भी स्ट्रगलर हैं, जो ड्रीमर्स हैं, जो अपनी मंजिल पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार कोशिशों में हताशा भी होने लगती है, हिम्मत टूटने लगती है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे समाज के उन स्ट्रगलर्स के लिए? ये हमेशा जो है इंसान को जो है
वो मंजिल की तरफ नजर रखना चाहिए। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं जब हमारी मंजिल पे नजर होगी। अगर हम पीछे मुड़कर ये देखते रहें कि हमको इतनी जो है हमने ये काम किया और हमको सफलता नहीं मिली, तो असफलताओं को नहीं देखना है हमको, हमको आगे बढ़ने के लिए जो है वो मंजिल की तरफ नजर रखनी है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते रहे असफलता को, तो शायद मेरे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे और पीछे ही चले जाएंगे 2 कदम। तो मेरी यही वो है कि हमेशा आगे ही जो है मंजिल की तरफ नजर ही रख करके चलना चाहिए, और आगे तभी हमको सफलता मिल सकती है जीवन में। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़ी और अपना इतना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया, इतनी खूबसूरत बातें कही, इतनी खूबसूरत नज़मे सुनाई और अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करके हमें मौका दिया कि हम कुछ सीख सकें। और जरूर उम्मीद है हमें कि बहुत अच्छे संदेश समाज में जाएंगे, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक जहां आरा जी की बातें पहुंच सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी खूबसूरत बातें और इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया थैंक यू वेरी आपका, मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जहां आरा गुल जी, और जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में फिर एक खास मेहमान के साथ में आ रही हूं मैं, और रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अगले एपिसोड में जरूर सुनिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि अगला एपिसोड कुछ खास होने वाला है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे शाम 7 बजे एक नए एपिसोड एक नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।